हेलो फ्रेंड्स, तो अभी गणेश चतुर्थी का टाइम चल रहा है, तो चलिए हम बनाते हैं गणेश भगवान के लिए मोदक। तो बेसिकली मोदक तो चावल के आटे का बनता है, लेकिन आज मैं सूजी का बनाऊंगी। सूजी के आटे का नहीं, सूजी का बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मेरी कढ़ाई गर्म हो रही है, तो इसमें मैं सूजी ले लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सूजी ले लिया है। बस इसको 2 मिनट तक हल्का ड्राई रोस्ट करेंगे। बिना ही करने को तो मुझे इसको ड्राई रोस्ट करना है। ये हमारा सूजी 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट हो गया है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब फिर से हम गैस ऑन करेंगे और इसमें डालेंगे पानी। अब हम पानी को गर्म करेंगे, पानी में बॉयल आने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पानी में बुलबुले आने लगे हैं। इसके अंदर मैं सूजी को ऐड कर दूंगी। सूजी को अच्छे से चलाना है। आंच को धीमी कर देंगे और इसको अच्छे से हम मिलाएंगे। इसको अच्छे से हम मिलाते जाएंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल हमारे आटे के जैसे हो जाएगा। थोड़ी देर इसको इसमें अच्छे से हम, ये हमारा सूजी का आटा जो था वो रेडी हो गया है। इसको हम अब दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। गैस बंद कर दूंगी और इसको 1 प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल आटे के जैसे बन गया है। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने, ये देखिए मैंने नारियल का बुरादा ले लिया है। आप जितना, मेरा ये 250 ग्राम है नारियल का बुरादा, उतनी ही मैं इसमें चीनी डालूंगी। तो ये नारियल का बुरादा है, इसमें मैं चीनी डाल दूंगी। मैंने चीनी ऐड की है, ये देखिए मैंने इसे बादाम ऐड किया है और ये मेरी स्टफिंग रेडी हो गई है। इसको साइड में रखेंगे और जो मैंने ये आटा तैयार किया था सूजी का, इसको अब अच्छे से हम गूंथ लेंगे। इसको प्रॉपर डो तैयार करेंगे। ये अभी थोड़ा गर्म है, इसलिए मैं स्पैचुला से कर रही हूँ। आपको इस तरह से इसको अच्छे से मिलाना है।
अब इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा घी लेके इसको अच्छे से चिकना कर लेंगे इस तरह से। देखिए ये मेरा घी लगने के बाद एकदम प्रॉपर चिकना बन गया है। अब चलिए हम मोदक बनाते हैं, तो इसको साइड में रखते हैं और हम इसकी छोटी छोटी लोइयां ले लेते हैं। देखिए इतनी बड़ी बड़ी हम लोई लेंगे और इसको प्रॉपर जितना पतला आप बना सकते हो इसके अंदर हम स्टफिंग को फिल करेंगे। इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे हम अपने, स्टफिंग को थोड़ा सा दबाएंगे। और देखिए इस तरह से हम इसको इस तरह से करके इसका मुंह बंद करेंगे और जो प्रॉपर मोदक का शेप होता है ना इस तरह का जो मोदक का शेप होता है वो हम दे देंगे। आप छोटे बड़े जैसे बनाना चाहो बना सकते हो। इस तरह का हम इसको शेप दे देंगे। ये देखिए ऐसे ही हम सारी बना लेंगे। ये देखिए ऐसे मार्केट में मुंह इसका शेप ये इस तरह से मेरे सारे मोदक रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको स्टीम करूंगी तो उसके लिए मैंने पानी बॉईल कर लिया है। उसके ऊपर मैं ये छन्नी, ये देखिए मैंने इसमें अपना नट रख दिया है। इसको अच्छे से मैं पहले पोंछ लूंगी और अब इसके ऊपर टिश्यू की मदद से मैं अच्छे से घी लगा दूंगी। ये मैंने घी इसके ऊपर लगा दिया है। अब एक एक मोदक को इस पे मैं रख दूंगी। अब इसको मैं बड़े से थाली से इसका गैस का फ्लेम हमें मीडियम से लो रखना है। तो मैंने और 15 मिनट तक इसको हम पकाएंगे, तो 15 मिनट के बाद देखते हैं इसको। तो ये देखिए फ्रेंड्स 15 मिनट हो चुके हैं और ये मेरा जो मोदक है वो रेडी हो चुका है। ये हाथ में बिल्कुल लग नहीं रहा है, चिपचिपा नहीं है, इसका मतलब मेरा मोदक रेडी हो गया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल चिपचिपा नहीं है, ये मेरा हो गया है मोदक। ये देखिए फ्रेंड्स मेरे मोदक बनके रेडी हो गए हैं। अगर आपको मेरा ये मोदक पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।
और मिलके लिए बाय बाय और हैप्पी गणेश चतुर्थी।